भारत से पंगा लेकर चीन ने दुनिया के तमाम देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। ऐसे में हर पल चीन पर हमले का डर रहता है। 24 घंटे चीन पर बम बरसाने का काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन बमों की बारिश से बचने के लिए चीन ने चूहा बनने की प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, चूहा बनने की प्लानिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जिनपिंग और उनकी सेना चूहा कैसे बन सकती है। तो जनाब, जिस तरह से दुश्मन के हमले से बचने के लिए चूहा अपने बिल में घुस जाता है, ठीक वैसे ही जिनपिंग और उसकी सेना ने बिल चीन के अलग अलग शहरों में जमीन के अंदर बिल बना रखे हैं। चीन ने बीजिंग और वुहान में जमीन के नीचे टनल बना रखे हैं। इनका मकसद ये था कि परमाणु जंग के हालात में इनका इस्तेमाल सेना के मुख्यालय के तौर पर किया जाए। दरअसल शीत युद्ध के दौरान चीन और सोवियत यूनियन के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। यहां तक लगने लगा था कि परमाणु हथियार भी चला दिए जाएंगे। खतरे को देखते हुए कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग ने देश की आबादी और सेना के गढ़ को बचाने के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाने का ऐलान कर दिया। इसमें से सबसे अहम जगहों में से एक है पेचिंग की अंडरग्राउंड सिटी, जिसे प्रोजेक्ट 131 कहा गया। वुहान में 50 मीटर दूर के टनल हुबेई प्रांत में 456 मीटर की दूरी तक पहुंचे हुए हैं। 31 जनवरी 1969 को इसे बनाने का फैसला किया गया, हालांकि इसे कभी पूरा नहीं किया गया और आज इन्हें पर्यटन स्थल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ स्टाफ जनरल हुआंग योंगशिंग को इसका जिम्मा दिया गया था। इस टनल में मीटिंग रूम भी है। टॉप कमांडर्स के लिए ऑफिस और कम्युनिकेशन सेंटर भी पहाड़ी इलाके के नीचे बनाए गए हैं। यहां तक कि माओ और उनके सेकेंड इन कमांड लिन बियाओ के लिए विला तक बनाए गए हैं। हालांकि 2 साल बाद सब कुछ गिर गया। लिन पर आरोप लग गया कि वो माओ का तख्ता पलट करने की योजना बना रहे थे और जनरल योंगशेंग को भी उनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में लिन की एक प्लेन क्रैश में और योंगशेंग की जेल में मौत हो गई। इसके बाद इसके साथ ही प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को कभी पूरा नहीं किया गया। करीब एक दशक तक खाली पड़े रहने के बाद इसे पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया गया। आज आम लोग भी इस टनल को देख सकते हैं, हालांकि कुछ हिस्सों में अभी भी जाने की इजाजत नहीं है। जमीन के ऊपर यहां होटल, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, माओ के वक्त का म्यूजियम और एक गार्डन भी है। इन्हें अभी भी मिलिट्री प्रोजेक्ट माना जाता है और चीन के बाहर के लोगों को यहां जाने की इजाजत नहीं है। दावा किया जाता है कि इस अंडरग्राउंड शहर पर एटम बम का कभी असर नहीं पड़ सकता है। अब जिनपिंग की तैयारी ये है कि अगर दुश्मनों ने एटॉमिक हमला किया तो किसी चूहे की तरह वो और उनके सैनिक इस टनल में अपना सिर छिपा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।